दुबई से मुंबई तक की एक फ्लोटिंग टनल परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 2000 किमी लंबी और 400 मीटर गहरी टनल का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजना जिसकी लागत $50 बिलियन है, मुंबई को पुजेरा से जोड़ने का उद्देश्य रखती है। इसमें उच्च गति की ट्रेनों को चलाया जाएगा जो 1000 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करेगी। ये परियोजना दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, जिसमें तेल और ताजे पानी का आदान प्रदान भी शामिल है। इस फ्लोटिंग टनल परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती गहरे पानी का में निर्माण करना है। 2000 किमी लंबी टनल का निर्माण तकनीकी दृष्टि से बहुत जटिल है, खासकर जब इसे समुद्र के नीचे बनाया जा रहा हो। इसके अलावा उच्च गति की ट्रेन के आवश्यक सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिति सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। समय और संसाधनों की उपलब्धता भी इस परियोजना की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फ्लोटिंग टनल परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती होगी गहरे पानी में निर्माण करना। 2000 किमी लंबी टनल का निर्माण तकनीकी दृष्टि से जटिल है, खासकर जब इसे समुद्र के नीचे बनाया जा रहा हो। इसके अलावा उच्च गति की ट्रेन के लिए आवश्यक सुरक्षा संरचनात्मक स्थिति सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। समय और संसाधनों की उपलब्धता भी इस परियोजना की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दुबई से मुंबई फ्लोटिंग टनल परियोजना का पूरा करने में कम से कम 10 साल का समय लग सकता है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए योजना और निर्माण में समय लगेगा, खासकर गहरे पानी में काम करने के कारण। समय की ये अवधि परियोजना की जटिलता और आवश्यक संसाधनों पर निर्भर करेगी।